बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में चीमा नाम का एक किसान टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो अपना और अपनी पत्नी सोनी का दो वक्त के लिए पेट भर पाता था। अजी सुनते हो, आज तो रात को बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, आज रात क्या खाएंगे हम? अब मैं क्या करूं? दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद भी इतना ही खाने पीने का इंतजाम हो पाता है, इससे ज्यादा मैं क्या काम करूं? किसानी के अलावा मुझे और कुछ आता भी नहीं है जो मैं कर सकूं। तो तुम कुछ सीख लो, कुछ दिन किसी के साथ कोई और काम कर लो। दो वक्त का खाना लाने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है, तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो कुछ दिन, जब तक कुछ और सीखूं, तब तक का राशन घर लाके रख सकूं, बताओ। परेशान चीमा और सोनी उस रात पानी पीकर ही अपना पेट भरते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह चीमा हर रोज की तरह वापस जमींदार के खेतों में काम करने जाता है। कितनी गर्मी है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब हाथ पैर धोकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर काम करना शुरू करूंगा। चीमा वहीं एक घने पेड़ के नीचे लेट जाता है और आराम करने लगता है। तभी उसे एक गाय के रेंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। चीमा आँख खोलकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे आस पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? उसे फिर गाय के रेंकने की आवाज आती है। तभी एक गाय घायल हालत में चीमा के सामने आती है। ओह, अरे ये गाय तो काफी घायल है, इतना खून निकल रहा है इसके पैर से, तो मुझे कुछ करना चाहिए। चीमा फटाफट अपने अंगोछे से एक टुकड़ा फाड़ता है और गाय के पैर में बांध देता है। फिर वो कुछ घास फूस लाकर गाय को खिलाता है। गाय माता, अब तुम यहीं आराम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ, वरना आज भी रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। तब तक तुम्हारा मालिक भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच ही जाएगा, फिर तुम आराम से अपने घर चली जाना। फिर चीमा फावड़ा उठाता है और वापस खेती में लग जाता है। रात हो जाती है, चीमा घर जाने लगता है। अरे इस गाय को लेने कोई नहीं आया, और न ही ये गाय कहीं और गई दोपहर से, क्यों ना इसे मैं ही लेके चलूं अपने घर। रात भर ये यहाँ कहाँ रहेगी, ऊपर से चोट भी लगी हुई है इसके। अगर कल कोई पूछता हुआ यहाँ आएगा तो ठीक, वरना मैं ही देख रेख करता रहूँगा। ऐसा सोचकर चीमा इस जख्मी गाय को अपने घर ले आता है। सोनी चीमा को आता हुआ देखती है। आज बड़े लेट हो गए हो, और ये किसकी गाय लेकर आ रहे हैं? जैसे चीमा दरवाजे पर पहुँचता है, अजी ये किसकी गाय है और ये पट्टी कैसी बांधी हुई है इसे? ऊपर से आज आप इतना लेट भी हो गए, सब कुशल मंगल तो था आज? अरे हाँ भाग्यवान, सब ठीक है। और चीमा उसे पूरी कहानी सुनाता है। ये सही किया आपने जो गाय माता को घर ले आए, वरना पता नहीं ऐसी हालत में कहाँ जाती है, और पता नहीं इसका मालिक कब आता कब नहीं। फिर सोनी गाय को मलहम पट्टी करती है और चीमा भी हाथ मुँह धोकर खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन। सोनी, ओ सोनी, मैं खेतों के लिए निकल रहा हूँ। अरे सुनिए तो, गाय माता के लिए हरा चारा तो डाल कर जाओ, वरना पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा उन्हें। चीमा खेतों से हरा चारा डाल कर जाता है, फिर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। इधर सोनी गाय को चारा खिलाकर उसे मलहम पट्टी करती है, फिर अंदर जाकर अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ से बच्चा रोता आता है और गाय जहाँ बंधी होती है उसके सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे स्कूल जाना है, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है, पर कैसे जाऊं? मेरे पास तो किताबें भी नहीं है। गाय ये सब देख रही होती है। बेटा रो मत, ये ले किताबें और पढ़ने जा। ये आवाज सुनकर बच्चा डर जाता है। जिंदगी में पहली बार किसी गाय को उसने बोलते हुए सुना। थोड़ी हिम्मत करके बच्चा गाय के पास जाता है। गाय अपने मुंह से किताबें निकालती है। अरे ये तो जादुई गाय है। बच्चा अचंभित होता है, पर किताबें देखकर खुशी से नाचने लगता है। जाओ किताबें ले जाओ और पढ़ने जाओ। इधर खेतों पर एक गाय फसल खा रही होती है। अरे वो देखो भाइयों, ये गाय तो हमारी फसल ही खराब कर रही है। मारो उसे, अरे भगाओ उसे यहाँ से, अरे कोई मारो। लोग गाय को मिलकर खेतों से खदेड़ने लगते हैं। चीमा ये सब देख लेता है। अरे इतनी बेरहमी से क्यों खदेड़ रहे हो गाय माता को, है? चीमा गाय को पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे चारा पानी खिलाता है। अरे आज फिर से आप एक गाय ले आए?
चीमा खेत पर हुआ किस्सा सोनी को बताता है। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम इन दोनों की देखरेख कर सके। हम तो अपना ही दो वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, तो चारा पानी का खर्चा सब कैसे होगा। भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर चीमा और सोनी मिलकर उन दोनों गायों को पालने लगते हैं और उन गाय का दूध बेचकर उन्हीं का चारा पानी का खर्चा पूर्ति करने लगते हैं। एक रात चीमा और उसकी पत्नी कितनी लगन से हमारी सेवा करते हैं, मुझे इनकी हालत पर तरस आता है। हाँ, मेरे पास एक तरीका है इनकी मदद करने के लिए। फिर दूसरी गाय अपने मुंह से कुछ सोने के सिक्के उगलती है। फिर सुबह सवेरे सोनी दोनों गाय को चारा डालने आती है। अरे सुनते हो, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। अरे जल्दी जल्दी आओ। अरे भगवान, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई। चीमा जैसे ही बाहर आता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अजी, अब तो हमें खर्चा पानी सोचने की भी जरूरत नहीं। नहीं भगवान, मुझे लगता है ये गाय हमारे लिए खुशियाँ लाई हैं। हमें सबसे पहले इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर चीमा उस सोने को बेचकर दोनों गाय के रहने के लिए जगह बनवाता है और महीने भर का चारा खरीद कर लाकर रखता है। अरे इन्होंने तो अपनी ना सोचकर हमारे लिए ही सारे पैसे खर्च कर दिए। चिंता नहीं करो, हमें किसी और तरीके से इनकी मदद करनी पड़ेगी जिससे इनका खाना खर्चा आराम से निकलने लगे। उस रात गाय फिर से कुछ किताबें पेन पेंसिल अपने मुंह से उगलकर रख देती है और दूसरी गाय कुछ चांदी के सिक्के उगलती है। अगले दिन सोनी ये सब देखकर अचंभित हो जाती है। जी आप इन किताबों और बाकी सामान को बेचाओ और इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे राशन ले आओ, और चांदी के सिक्कों को बेचकर एक खेत का टुकड़ा खरीद लेते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर हमारी मदद कर कौन रहा है। जो भी है, पर हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे चीमा और सोनी की जिंदगी गरीबी की दुनिया से निकलकर सुख की ओर चलने लगती है। एक दिन सोनी सब्जी लाने बाजार जाती है तो एक गाय उसके पीछे पीछे घर तक आ जाती है। अजी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गाय हमारे घर ही क्यों आ रही है। अरे ये तो अच्छी बात है, गाय हमारी माता मानी जाती है। अगर भगवान गाय की सेवा करने का मौका हमें दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, हमारे ही पुण्य बढ़ेंगे। जी बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं इस गाय का इंतजाम भी बाकी दोनों गाय के साथ कर देती हूँ। रात को तीनों गाय आपस में बातें करने लगती हैं। तुम दोनों यहाँ कब से हो और यही घर क्यों चुना। मैं चीमा को रोज मेहनत करते खेतों में देखती थी, मुझे वो भला इंसान लगा इसलिए उसकी मदद करने मैं यहाँ आ गई। मुझे उसने अच्छे इंसान की तरह बेरहम लोगों से बचाया इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। एक दिन सोनी अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, काश मेरी एक औलाद भी होती तो कितना अच्छा होता, मेरा परिवार पूरा हो जाता। ये बात तीसरी गाय सुन रही होती है। वो गाय इच्छा पूर्ति करने वाली जादुई गाय होती है। वो सोनी की इच्छा पूरी करने के लिए जादुई शक्ति से आशीर्वाद देती है। ये सारी घटना गांव का जमींदार देख रहा होता है। तो ये तीनों जादुई गाय हैं, एक किताबें और स्टेशनरी उगलती है, तो दूसरी सोने चांदी के सिक्के और तीसरी इच्छा पूर्ति करती है। इसके अलावा और जीवन में चाहिए ही क्या, और इन्हीं की वजह से चीमा पैसे वाला बनता जा रहा है। ऊपर से इन्हीं गाय द्वारा मिली हुई चीजों को लोगों में बांट बांट कर गांव वालों का मसीहा भी बनता जा रहा है। कहां ये दो कौड़ी का नौकर अब चला है ला बनने। रात को ही जमींदार तीनों गाय को चुराने का प्लान बनाता है। गाय माता, चलो मेरे साथ, हम भी माला माल कर दो। जमींदार जैसे ही उन्हें खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पहली गाय जोर की लात मारती है उसे, और दूसरी गाय उसे तेज से जोरदार पूंछ मारती है, तीसरी उसे सींग से उठाकर दूर फेंक देती है। अरे बचाओ रे बचाओ, ये जादुई गाय तो मारती भी है। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे जादुई गाय, इतना मार चुकी हो तो अब सोने के सिक्के दे दो, मुझे किताबें दे दो, मैं भी सपने बांटूंगा, मेरी विवाही होगी, दे दो ना, दे दो ना। गाय भागती हुई आती है और उसे सींग पर उड़ाते हुए दूर जाकर फेंक देती है। मेरी फूटी किस्मत आई, अब गाय जो भी चीजें उगलती
चीमा और सोनी उन्हें जरूरतमंदों में बांट देते। इस तरह बाकियों की भी मदद होने लगी।